मध्य प्रदेश के महेवा में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य और क्लर्क की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां काम के बदले पैसे नहीं बल्कि स्कूल की सामग्री दी जाती है। दरअसल यह पंखे बनाने के बदले में छत की सीटों को बेच दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद जब क्लर्क से पूछताछ की गई तब उसका कहना था कि हमने सीट को खरीदा है और प्राचार्य भी 3 सीट लेकर गए हैं। सवाल तो यह है कि अगर सीट खरीदी है तो फिर वापस क्यों लाई गई। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। मैं राजेश पांडे MPN न्यूज से, सीधी रिपोर्ट। मामला हायर सेकेंडरी स्कूल का, जहां पर बिल्डिंग के ऊपर की जो सीटें थी वो विभाग ने नीलाम ना करा के अपने अपने कामों में उपयोग कर ली, जिसमें सबसे ज़्यादा बाबू क्लर्क है। जो क्लर्क ने अपनी मनमर्जी के चलते कल जब पूछा गया तो उसने बताया कि हमने खरीदी है, लेकिन आज खरीदी थी तो फिर आज वापस क्यों आई। इसमें संलिप्त प्राचार्य भी बोलते हैं कि 3 सीट प्राचार्य भी ले गए, पंखे बनवाए मिस्त्री से, उसको सीटें दे दी, जबकि नियम यह है कि कोई भी कार्य कराया जाता है तो उसमें बिल लगा करके मैकेनिक को पेमेंट दिया जाता है, लेकिन पेमेंट न दे करके उन्होंने छत की सीटें ही बेच डाली। अगर इनका बस चले तो ये तो सरकारी बिल्डिंग ही बेच डालेंगे। MPN के लिए राजेश पांडे, ब्यूरो चीफ, पन्ना।